राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमो। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमो। 20 दिन पूर्व सराफा बाजार स्थित गुरु कृपा ज्वेलर्स के शटर को तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने जबलपुर के बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उनके पास से चोरी की गई चांदी और वारदात में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया है। इस कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तिवारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 25-26 फरवरी की दरमियानी रात लगभग 3:30 बजे गुरु कृपा ज्वेलर्स, जो कि सराफा बाजार में स्थित है, अज्ञात आरोपियों द्वारा शटर तोड़कर चांदी के करीब 1.25 किलो आभूषण चोरी कर लिए गए थे, जिसके बाद थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वहीं इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक किए, वहीं साइबर सेल की टीम और CCTV फुटेज एवं मुखबिरों की सहायता से घटनाक्रम को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 3 जबलपुर जिले के पाटन के रहने वाले हैं, जबकि 3 आरोपी जबलपुर में रहते हैं। पुलिस ने आरोपी अमित प्यासी, शेख शहादत, मोहन चक्रवर्ती, नरेंद्र रजक, रमन विश्वकर्मा और अंकुर यादव को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से चोरी हुआ मसरूका और घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। 25-26 फरवरी की दरमियानी रात में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी। सराफा मार्केट में एक दुकान का शटर तोड़कर कुछ जेवरात चोरी गए थे, और ये घटना चूँकि जिस तरह से की गई थी वो काफ़ी चिंताजनक थी। उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए दमोह पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, और इसमें सभी पहलुओं पर लगातार विवेचना की जाती रही। इसमें साइबर की टीम का भी बहुत अहम रोल रहा, और फिजिकली भी काफ़ी इसमें टीम्स रवाना की गई अलग अलग डायरेक्शन में, जहां भी थोड़ी बहुत शंका थी पूछताछ की गई, लोगों से मुखबिरों को लगाया गया। उसकी सभी का मिला जुला परिणाम यह है कि 14 तारीख को आज एक महीने से भी कम समय में पूरे मशरूके के साथ 6 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये आरोपी सभी जबलपुर और पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें पूर्व में भी कई अपराध इन्होंने घटित किए हैं इसी तरह के चोरी के, और एक इनमें से जो मेन आदमी है उस पर तो 15-16 अपराध पूर्व के। अब इसमें चांदी के जेवरात थे, करीब 90,000 का मशरूका था, 1 किलो 250 ग्राम करीब चांदी के जेवरात हैं। इसमें बहुत मेहनत की गई, फिजिकली भी कई मुखबिरों को लगाया गया, इस तरह की वारदात को पता किया गया, आसपास के क्षेत्र में कहां कहां घटना घटित हुई है इस तरह की। इसके अलावा जो है साइबर टीम को और CCTV फुटेज जो थे जिसमें गाड़ी का भी उपयोग किया गया था, इस गाड़ी का भी पता लगाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलजुल कर ये परिणाम हमको आज मिले हैं। आरोपी 6 हैं, इसमें एक अमित प्यासी हैं, शेख शहादत, मोहन चक्रवर्ती, नरेंद्र रजक, रमन विश्वकर्मा, अंकुर यादव। सर कोई इनाम? इसमें 10,000 का इनाम मेरे द्वारा पूर्व में घोषित किया गया था। थैंक यू।
शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।